सबसे पहले तो पत्रकारों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप ही लोगों ने उस दिन यहाँ शुभकामनाएँ दी और अपनी इच्छा जाहिर की कि आप उम्मीदवार होने चाहिए, तो आपकी बात भगवान ने सुनी होगी और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने भी सुन ली है और मुझे यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। हमने भारतीय जनता पार्टी ने कांगड़ा चंबा लोकसभा चुनाव का प्रचार 26 मार्च को बैजनाथ की तपोभूमि शिव भगवान का आशीर्वाद लेकर इस लोकसभा चुनाव का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर और हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक हिमाचल के आदरणीय श्री शांता कुमार जी शिव भगवान का आशीर्वाद लेकर वहां से चुनाव प्रचार शुरू किया। महिला सम्मेलन था, ऐतिहासिक महिला सम्मेलन। उसके बाद कांगड़ा में भी दूसरी हमारी सभा थी और दूसरे दिन नूरपुर में युवा रैली। लोगों में भारी उत्साह, वहाँ युवा रैली हुई और उसके बाद गंगत में और कल बंजराड़ू में जो जनसभा थी, महिला मोर्चा का सम्मेलन था और सुना वहाँ यह गया कि इतनी महिलाएं पहली बार एकत्रित हुए, पहली बार, बहुत बड़ी जनसभा वहाँ हुई। सोशल मीडिया में शायद आप लोगों ने देखा भी होगा। भारतीय जनता पार्टी प्रचार में बहुत आगे निकल गई है। हमारे संगठन ने जो 2 महीनों का कार्यक्रम बनाया है, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और पार्टी के जितने प्रदेश के पदाधिकारीगण जिला के और मंडल के, भारतीय जनता पार्टी का हर सिपाही आज मोर्चे पे डटा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने जन जन तक हमारे जो मुद्दे रहेंगे लोकसभा के चुनावों में, वो हमारी केंद्र सरकार की जन कल्याण की योजनाएं, प्रदेश सरकार की 1 साल की उपलब्धियां, यही मुद्दे हमारे इस चुनावों में हैं। पिछले दिनों भारत के सभी मुख्यमंत्रियों को लेकर एक सर्वे हुआ। उस सर्वे में कौन अधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, तो उस सर्वे में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जयराम ठाकुर जी दूसरे स्थान पर आए हैं। इसी से सरकार की कार्यशैली और सरकार की जो हमारी जयराम ठाकुर की सरकार की लोकप्रियता है, यही पैमाना है। हम जहां जहां जा रहे हैं लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है। चंबा मैं 27 तारीख को शाम को यहाँ आया, तुनुहट्टी, बणीखेत और सुंडला में रात को भी लोग स्वागत के लिए खड़े थे और मुझे लगता है कि चंबा में, चंबा के लोगों में भी उत्साह है। चंबा के लोगों की एक मांग थी कि प्रत्याशी कभी यहाँ से नहीं आया, तो ये चंबा को पहली बार मौका मिला है।
कि चंबा में मेरे ससुराल भी हैं और गद्दियों का मूल स्थान भी भरमौर है। हम भरमौर से कभी कांगड़ा गए हुए हैं, तो चंबा के लोगों की भी मांग पूरी हुई है। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी सर, अब जब आप सांसद बन के आएंगे तो चंबा के पिछड़ेपन को किस तरह से दूर करेंगे आप? देखिए, प्राथमिकताएं बहुत सारी होती हैं और जब मतलब लोगों के बीच में आते हैं जो जनप्रतिनिधि बनता है, उसमें बहुत सारी बातें जब सामने आती हैं तो उन बातों का समाधान निकलता है, उन समस्याओं का समाधान में निकलता है। मेरा राजनीतिक अनुभव जो है कि जो हमने सोचा नहीं होता वो भी कई बार हमसे हो जाता है और वो एक इतिहास बनता है। जैसे मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था, मातृशक्ति के लिए हमने 2 दिन बस फ्री कर दी, रक्षाबंधन के दिन और भैया दूज के दिन। मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर रहा तो वो करके बताया जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं हुआ था। हमने 25 रुपये सीमेंट की बोरी कम की थी, वो कोई वायदा नहीं था मेरा। अभी गृहिणी सुविधा योजना के माध्यम से हमने हिंदू धर्म में तो महिलाओं को देवी का रूप दिया गया, लक्ष्मी का रूप दिया गया है, तो हमने उनकी पूजा की है। मतलब उनके घर में चूल्हा देकर प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण, धुआं रहित हिमाचल प्रदेश को करने के लिए जो प्रयास किया, 90,000 गैस कनेक्शन हम एक वर्ष अभी पूरा नहीं हुआ, 26 मई 2018 को उसका शुभारंभ पेट्रोफ से हुआ था, अभी वर्ष पूरा नहीं हुआ, 90,000 बांट चुके हैं। और जो उज्ज्वला योजना में हिमाचल प्रदेश में 1,15,000 गैस कनेक्शन बांट चुके हैं। शांता जी के कुछ वादे लंबे अरसे से अधूरे हैं, उनको लेकर हमेशा सवाल खड़े रहते हैं। क्या सवाल है वैसे प्रश्न कीजिए। सिकरी धार का जो उनका देखिए, हिमाचल प्रदेश में सीमेंट फैक्ट्री के अगर कोई जन्मदाता है वो शांता कुमार है। जब पहली बार मुख्यमंत्री शांता कुमार जी बने थे, हिमाचल के लोगों ने ये नहीं सोचा था कि कभी सीमेंट की फैक्ट्री हिमाचल में लग सकती है। बरमाणा में ACC को लेकर आए तो शांता कुमार लेकर आए। दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री दारला घाट में, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया था, उन्होंने बोला था कि पर्यावरण खराब होगा, रिजर्व फॉरेस्ट उजड़ जाएगा, उन्होंने विरोध किया था, तो दूसरा सीमेंट का कारखाना लगाने वाले भी शांता कुमार जी। सिकरी धार के लिए जयराम ठाकुर की सरकार ने 2 बार इसके लिए टेंडर किए, और उसके लिए पहले उन्होंने दूसरी बार ये कहा कि सड़क बननी चाहिए, उसके लिए सड़क बनाने का भी सरकार ने निर्णय ले लिया कि सड़क हम बनाएंगे। अब जो लोग ये प्रश्न कर रहे हैं हमारे विरोधी, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि जब स्पेशल इंडस्ट्रियल पैकेज मिला हिमाचल प्रदेश को, आप लोगों की दिल्ली में सरकार आई तो 2014 में उस इंडस्ट्रियल पैकेज को, 2004 में उसको क्रिटेल क्यों कर दिया जो हमें 10 सालों के लिए मिला था, उसको 2010 तक कर दिया, 2013 तक होना चाहिए था। जो इन्वेस्टर हिमाचल प्रदेश में आना चाहता था उसने अपने पैर पीछे कर लिए, हिमाचल को बहुत बड़ा अगर नुकसान हुआ तो कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण हुआ, UPA सरकार की गलत नीतियों के कारण हुआ, और हिमाचल प्रदेश के जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता है वो उनके आगे नतमस्तक हुए। हिमाचल प्रदेश के गरीब लोगों की, हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों को
और हिमाचल प्रदेश के जो रेवेन्यू जनरेट होना था उसका सबसे बड़े अगर कोई दोषी है तो कांग्रेस है। और वो इंडस्ट्रियल पैकेज आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विचारधारा से ऊपर उठकर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी। एनडी तिवारी वहां मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पहाड़ी राज्यों को एक इंडस्ट्रियल पैकेज देकर बहुत बड़ी सुकात दी थी ताकि पहाड़ी राज्य जो हैं वो वहां उद्योग लगें और बेरोजगारों को रोजगार के साधन खुलें। हिमाचल प्रदेश में पहले जब इंडस्ट्रियल पैकेज नहीं था तो 21% आज जो टोटल इंडस्ट्री है 21% इंडस्ट्री थी, वो भी माइक्रो इंडस्ट्री। उसके बाद जब इंडस्ट्रियल पैकेज मिला तो हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री उसके बाद आई है। इसके लिए दोषी कौन रहा, कौन ज्यादा लोग सत्ता में रहे, कौन 6 बार मुख्यमंत्री रहे, कौन 4-4 पीढ़ियों से देश की सत्ता में है, वो इसके लिए दोषी है। वो नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए क्योंकि वो वोट लेकर सिर्फ वोट की राजनीति करते रहे, नए नए नारे देकर सत्ता पे काबिज होते रहे। और जो आपकी भावनाएं हैं, जैसे पिछली बार आपने मुझे प्रश्न किया था कि यहाँ चंबा से प्रत्याशी आएगा, तो मैंने बोला था कि आपकी भावनाओं को हम ऊपर पहुंचाएंगे। अब तो आप पूरा मतलब उसके साथ हमें भेजेंगे, संसद में भेजेंगे, जो जो कुछ करने वाला होगा निश्चित रूप से करेंगे। सर, क्या चंबा जिला की प्राथमिकताओं को लेकर आपने कोई सूची तैयार की है? सर देखिए, हमने पूरे लोकसभा चुनाव क्षेत्र को लेकर सूची तैयार है और आपके पास जब वो सामने आएगी तो हम आपको पूरी उसकी फिल्म बता देंगे। सर, एक चंबा जिला के जो बुजुर्ग है, हमारी उनसे बात हुई पिछले हफ्ते, उन बुजुर्गों ने बोला है हमें कि जो भी लीडर आता है, चाहे मिनिस्टर हो चाहे कैंडिडेट हो, जो भी आता है वो चंबा के बुजुर्गों के साथ कभी बैठक नहीं करता है, कभी बैठक नहीं बुलाता है, ताकि जो हमारे अनुभव है, क्योंकि सारे रिटायरी हैं सर, कम से कम हम अपने अनुभवों को उनसे रूबरू करवा सके, चंबा लोगों की जो भावनाएं उनके सामने रख सके, ताकि उस दिशा में वो आगे बढ़ सके। सर निश्चित रूप से जब भी आप बोलेंगे हम बुजुर्गों के साथ बैठ लेंगे, उनका आशीर्वाद भी ले लेंगे। देश की सुरक्षा का बहुत बड़ा प्रश्न है और देश की सुरक्षा के लिए जो वर्तमान प्रधानमंत्री ने किया है और आतंकवाद के नाम पर पूरे विश्व को एक मंच पर खड़ा किया है, ये प्रधानमंत्री की कूटनीति के कारण ही संभव हो पाया है। और सारे मुद्दे जो हैं हमारे लिए, हर वर्ग जो है वो महत्वपूर्ण है। और इस सरकार ने, केंद्र सरकार ने पिछले 5 वर्षों में हर वर्ग, जो अनछुए वर्ग थे उनके लिए भी राहत दी है। ये पहली बार हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ और हिमाचल प्रदेश में भी जो 2 बजट इस बार पेश हुए। और एक बात मैं और करना चाहता हूँ, जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हिमाचल प्रदेश में आई हैं, हिमाचल प्रदेश में पहले विकास शहरों तक सीमित था, गांव में अगर विकास की किसी ने नींव रखी तो 1977 में पहली बार जब शांता कुमार जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, विकास का मुंह गांव की तरफ मोड़ा है, तो इसका श्रेय भी भारतीय जनता पार्टी को जाता है। हिमाचल प्रदेश को 2 हिस्सों में बांटने वाला, ऊपरी हिमाचल निचला हिमाचल, किसने ये संस्कृति पैदा की थी, कौन थे बोलो। सर आखिरी एक सवाल, सर चंबा जिला के 4 जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो कांगड़ा पार्लियामेंट हलके का हिस्सा है सर, तो क्या ये 4 विधानसभा क्षेत्र के लोग मतदाता आपको एक जमाई के नाते वोट दें सर, या एक विकास पुरुष के नाम पे वोट दें? दोनों मुद्दे रहेंगे, एक पीछे दोनों रहेंगे, वोट तो चाहिए।